यूपी के रायबरेली से इस समय की बड़ी और अहम खबर सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि एआरटीओ प्रवर्तन मनोज कुमार सिंह की कार्यवाही से मचा हड़कंप। बचरावा थाना क्षेत्र के टोल के पास चलाया गया अभियान ओवरलोड ट्रक स्कूली वाहनों पर की गई कार्यवाही। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर की गई बड़ी कार्यवाही। मानक विहीन स्कूली बसों को भी किया गया सीज। ओवरलोड ट्रकों की सीज कर की गई कार्यवाही। पिकअप व ई रिक्शा पर भी एआरटीओ प्रवर्तन किया चला चाबुक। तस्वीरों में भी आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से एआरटीओ प्रवर्तन मनोज कुमार सिंह की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। वहीं ओवरलोड ट्रक स्कूली वाहनों पर बड़ी कार्यवाही की गई है। मानक विहीन स्कूली बसों पर भी कार्रवाई का चाबुक चलाया गया है। वहीं आइए जानते हैं एआरटीओ प्रवर्तन मनोज कुमार सिंह ने क्या कहा, आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं मनोज कुमार सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन रायबरेली जी। क्या अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और साथ ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में निर्देश दिए गए थे कि अनधिकृत रूप से जो स्कूल वाहन संचालित है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। तो ये दो अभियान चल रहे हैं और जैसा कि आप अभी आपने देखा कि उसी के क्रम में ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई जो की गई है उसमें से 8 ओवरलोड वाहन निरुद्ध किए गए हैं। तो उसमें से 5 हैवी ओवरलोड हैं जो जिनमें 40 से 42 टन ओवरलोड माल लदा हुआ है और कुछ स्कूल वाहन, 3 स्कूल वाहन निरुद्ध किए गए हैं जो प्राइवेट वाहन हैं और स्कूल के वाहन के रूप में संचालित हैं। साथ ही 2 पैसेंजर्स व्हीकल जो निजी वाहन के रूप में दर्ज हैं लेकिन पैसेंजर्स को ढोने का काम कर रहे हैं उनको निरुद्ध किया गया है। 1-2 पिकअप, 1-2 ई रिक्शा बिना फिटनेस के संचालित थे उनको निरुद्ध किया गया है। कुल मिलाकर के सुबह से अभी तक की जो कार्रवाई है उसमें 1 दर्जन के आसपास वाहन निरुद्ध किए गए हैं। ये चुनौतियाँ आपको बहुत करनी पड़ती हैं? देखिए, चुनौती प्रवर्तन कार्य चुनौतीपूर्ण निसंदेह रूप से होता है और जब भारी ओवरलोड गाड़ी होती है 40-42 टन ओवरलोड गाड़ी का मतलब 1,00,000 से 1,25,000 रुपए के बीच में उसका जुर्माना होता है। तो ऐसी दशा में हर वाहन स्वामी उस पर बचने का प्रयास करता है, हर चालक बचने का प्रयास करता है। कई बार वो भागने की कोशिश करता है, कई बार गाड़ी लेके भागने की कोशिश करता है, कई बार गाड़ी छोड़ के भाग जाता है। तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करके हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब इसमें से भी जो गाड़ियाँ आपने देखा निरुद्ध की गई हैं, 1 का ड्राइवर भाग गया था, 1 भागने का प्रयास कर रहा था, तो ये चलता रहता है, चूहे और बिल्ली का खेल लगातार चलता रहता है। थैंक यू सर।